प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जारी विवाद पर अब देखिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे सभी दलों के प्रमुख वर्चुअल बैठक के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। विपक्ष की ओर से लगातार इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की जा रही है। तो भारत और चीन के बीच में देखिए अब तनाव बढ़ता जा रहा है। गलवान घाटी के पास सैनिकों में यह झड़प हुई, भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं। चीन को भी ऐसा जताया जा रहा है कि भारी नुकसान हुआ है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी कड़ी में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देखिए ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं कि 19 जून को पीएम मोदी ने इस सर्वदलीय बैठक बुलाई है। In order to discuss the situation in India and China border areas, मतलब भारत और चीन एरिया के बीच में जो भी यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं उस बॉर्डर एरिया पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 19 जून को शाम 5 बजे प्रेसिडेंट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड टेक पार्ट इन द वर्चुअल मीटिंग, यानी वर्चुअल मीटिंग के जरिए इसमें एक सर्वदलीय बैठक में सभी को बुलाया गया है और इस बैठक में अब आगे की रणनीति बनेगी।